अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहे हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपका एक फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के बाद ही आपका अकाउंट खोला जाता है। तो फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। बहुत लोग यहाँ इतना मोटा फॉर्म देकर घबरा जाते हैं कि हमारा इतना लंबा चौड़ा जो फॉर्म दिया गया हम कैसे फुलफिल करें। तो आपको घबराने की बात नहीं है, मैं आपको कंप्लीट एक एक स्टेप बताऊंगा कि किस फील्ड में आपको क्या क्या भरना है। चूंकि वीडियो बड़ा लंबा होने वाला है इसलिए मैं पहले से एक फॉर्म फिलफिल करके रख चुका हूँ, तो फॉर्म को मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट कि आपको फॉर्म में क्या क्या भरना होता है और क्या आपको भरना जरूरत नहीं है। और अब तो कुछ ही समय में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख पाएंगे मेरे पास 20 पेज का ये फॉर्म है। 20 पेज का फॉर्म है, आपको देखकर घबराना नहीं है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ जिसको आपको फुलफिल करना होगा। जैसे सबसे पहले तो आपको आपके पास आधार कार्ड है वो आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी रखना होगा। और साथ में आपको बता दें नया अपडेट आया कि अगर आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट है तो भी आपको डिक्लेरेशन देना होगा। आपके पास में नहीं है तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा जिसके लिए आप बैंक से फॉर्म मांग सकते हैं या फिर एक व्हाइट पेज पर आप इनकम के रिगार्डिंग लिख सकते हैं एक एप्लीकेशन, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा तभी जाकर आपका अकाउंट जो है पंजाब नेशनल बैंक में खुल जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो बिना देरी हम यहाँ पे जान लेते हैं सबसे पहले हमको फॉर्म में फुलफिल क्या करना है। देखिए सबसे पहले फॉर्म पे आपको डेट लिखना है, तो डेट वाले कॉलम में आपको डेट लिखना है। उसके बाद वाले कॉलम पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है, जो भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं उस ब्रांच का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद अगर आपको कोड पता है ब्रांच का कोड तो यहाँ पे लिख दे, अदरवाइज आप किसी से पूछ कर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर भी नहीं पता तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि एप्लीकेशन का टाइप किस प्रकार का होगा। तो एप्लीकेशन टाइप अगर नया अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू वाले पे क्लिक करना है न्यू। और अगर आप कोई अपडेट करना चाहते हैं अपने अकाउंट में तो आपको यहाँ पे अपडेट वाले पे क्लिक करना होगा, यानी कि टिक करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपके देख पूछा जा रहा है कि आपका अकाउंट किस प्रकार का होगा। तो सिंपली आपको अगर जनरल अकाउंट का ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सामान्य पे यानी कि नॉर्मल अकाउंट पे यहाँ पे टिक लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे स्कीम कोड अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको बता दें अगर सिर्फ जनरल अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप सेविंग जैन यानी कि एसवी जैन लिख सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे नीचे उसके आते हैं। तो उसके नीचे आप देखेंगे सबसे पहले आपसे कस्टमर आईडी मांगा जा रहा है। तो अगर आप नया अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये बैंक वाले खुद ही लिख देंगे। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप देखें कस्टमर नंबर दिया था, उस कस्टमर नंबर को आप यहाँ पे लिख दें। अगर आप कोई भी अपडेट करवाते हैं तब, अगर न्यू अकाउंट है तो आप उसको छोड़ दें। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा आपका नाम, जो भी आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर लिखा हुआ सेम जो भी डिजिट लिखा हुआ उस डिजिट को आपको यहाँ पे लिखना है। उसके पहले अगर आप मान लीजिए कुछ लेडीज़ का नाम है तो लेडीज़ का नाम यहाँ पे लिखना, अगर विवाह के पहले को उनका कोई नाम है था तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इस वाले कॉलम पे डेट ऑफ बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ वो लिखना है। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो टिक लगाना, अदरवाइज आपको यहाँ पे अनमैरिड पे टिक लगाना है। आपका लिंग क्या है कि जेंडर क्या है, तो जेंडर पे आप मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे एज इट इज टिक लगा सकते हैं। उसके बाद आपके फादर का नाम आप लिखना, तो यहाँ पे प्रीफिक्स में आप लगा सकते हैं श्री मिस्टर जो भी है। उसके बाद आपने फादर का नाम लिखना है, इस वाले कॉलम में आपका जो मदर का नाम है उस मदर का नाम लिखना है। उसके बाद आपका अगर विवाह हो चुका है तो अगर कोई जो वाइफ है या फिर जो हस्बैंड है उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके नीचे आ रहा है कि आपके पास डिपेंडेंट कितना, अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके कितने बच्चे हैं तो उसका डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ दें। उसके बाद आप लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं कि यहाँ पे आपको टिक लगाना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पढ़ लिखा हूँ तो यहाँ पे मैं निरक्षर नहीं होता, यहाँ पे टिक लगा दूंगा। उसके बाद आपको एक मार्क्स का निशान देना है। इस वाले कॉलम पे आपको गार्जियन का नाम लिखना है, अगर आप माइनर यहाँ पे हैं तो माइनर का नाम, अगर अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो माइनर का गार्जियन होता है जो कि अकाउंट को ऑपरेट करेगा, तो गार्जियन का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर आप मेजर हैं तो आपको इस वाले कॉलम को फिलफिल करने की जरूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले पूछा जा रहा है आपसे कुछ पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे कि आपका नेशनलिटी क्या है। तो नेशनलिटी में हम यहाँ पे इंडिया को टिक लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस है उसे यहाँ पे रेसिडेंशियल इंडिविजुअल पर क्लिक करते हैं। उसके हिसाब से आपका व्यवसाय क्या है कि आप करते क्या है, तो आपको एज इट इज यहाँ पे सारा टिक लगा देना। अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं सरकारी क्षेत्र में लगाएं, अगर आप बिजनेस है तो बिजनेस का डिटेल आपको यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद आपका एनुअल इनकम कितना है उस एनुअल इनकम को आपको यहाँ पे लिखना होगा, आपके पास कितना परिसंपत्ति नेटवर्थ कितना है वो आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका एनुअल टर्नओवर कितना है उस टर्नओवर को आपको इस वाले कॉलम में आपको लिख देना। याद रखना है कि जो भी डिटेल आप यहाँ पे देंगे वही इनकम, आप इनकम जो डिक्लेरेशन देंगे या फिर इनकम का जो सर्टिफिकेट होगा उसको मैच करना चाहिए। अब हम चलते हैं नीचे। नीचे वाले कॉलम में आपको रिलीजन के बारे में पूछा जाता है, तो रिलीजन अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है तो उस पर आप टिक लगा दें। उसके हिसाब से कैटेगरी आपको कौन सी है, जनरल में है तो जनरल में, ओबीसी एससी एसटी जो भी आपका जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपको यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक उसी प्रकार से आप ग्राहक का टाइप क्या है, तो ग्राहक टाइप में आपको यहाँ पे नॉर्मल देना है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन में टिक लगा दें। अगर आपका भविष्य निधि है यानी कि पीएफ अकाउंट नंबर है या पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक लगा। अगर माइनर है तो माइनर है, एनआरआई है तो एनआरआई, एसटी जैसा भी आप चाहें वहाँ पे ऐसे टिक लगा सकते हैं जो भी आपकी जरूरत हो। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप पर्सनल डिजेबिलिटी है, मतलब आपको किसी प्रकार से कोई फिजिकल डिजेबिलिटी है, तो अगर है तो आप टिक लगाएं, अदर्स नहीं है तो आप नहीं भी टिक लगा रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा। अब नेक्स्ट वाले कॉलम से पूछा जा रहा है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपने जहाँ तक भी पढ़ाई की उस पढ़ाई को आपको यहाँ तक टिक लगाना होगा। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा। अगर आप
नहीं काम करते तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप पॉलिटिकल एक्सपोज हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना, अदरवाइज आप नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना। अगर भारत के अलावा आप किसी क्षेत्र में नहीं रहते, किसी और कंट्री में नहीं रहते तो आपको यहाँ पर नहीं पर टिक लगाना। उसके बाद आपका अगर पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा, आपके पास नहीं है तो फॉर्म 60 भरा जाता है जो कि फॉर्म में आगे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर पैन कार्ड आपके पास में है तो भरे, अदरवाइज आप इस चीज़ को छोड़ दें। नेक्स्ट में हम पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर क्या, तो मोबाइल नंबर आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी दे दें, उसके बाद अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो आप उसे हम दे सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आईडी प्रूफ के बारे में पूछा जा रहा है कि आईडी प्रूफ आप किस प्रकार से बैंक में दे रहे हैं, तो आपके पास आधार कार्ड, आधार कार्ड पर टिक लगा दें और आधार कार्ड का नंबर भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका एड्रेस प्रूफ मांगा जाए तो एड्रेस प्रूफ में अगर आपको जो भी डिटेल्स यहाँ पे आप दे रहे हैं उस डिटेल को आपको यहाँ पर टिक लगाना हो, टिक लगाने के बाद उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड पर टिक लगाकर मैंने आधार कार्ड का नंबर लिख दिया। ठीक उसी प्रकार से आपका एड्रेस का टाइप किस प्रकार का है, रेजिडेंशियल है, बिजनेस है या फिर बिजनेस है या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो उससे आपको टिक लगाना। टिक लगाने के बाद आपका जो भी एड्रेस है उस पूरे एड्रेस को आपको यहाँ पे लिखना होगा। लिखने के बाद आपका एक यहाँ पे साइन कर दें, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे परमानेंट या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपका सेम है तो यहाँ पे सेम वाले पे टिक लगा दें, अदरवाइज आप इसे बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम में। तो नेक्स्ट कॉलम आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं, किसी अन्य जगह पर रहते हैं और अकाउंट वगैरह कहीं और अकाउंट ओपन करना जा रहे हैं तो वहाँ के कुछ लोकल एड्रेस आपको देना, तो लोकल एड्रेस में आप किस प्रकार का डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का डिटेल आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा। टिक लगाने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में उस डिटेल का देना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नंबर देना होगा और आपके इस डेट को जारी हुआ उस डेट को यहाँ पर लिखना होगा और साथ ही आपको यहाँ पर टिक लगा देना होगा। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में पूछा जाता है, यहाँ पर दो आपको ऑप्शन मिला, दोनों में आपको टिक लगा देना है हाँ हाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ से फोटो चिपकाना, फोटो पे आपको क्रॉस साइन कर देना है। उसके बाद एक आपको कॉलम मिल जाएगा साइन का, तो यहाँ भी आपको साइन कर देना है। उसके नीचे आपको एड्रेस लिख देना है और इस जगह पे आपको अपना डेट मेंशन कर देना है, बाकी इन सारे फील्डों को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप देखेंगे सबसे पूछा जा रहा है कि जो डिपोजिटर है वो ब्लाइंड है या इलिटरेट है या फिर स्टाफ मेंबर, तो उनका पीएफ नंबर लिखा जाता है। बाद नीचे वाले कॉलम में आपको छोड़ देना, चूंकि यहाँ पे जो भी ऑफिसर होंगे उनका साइन और पीएफ नंबर नाम वगैरह यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जा रहा है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, जो कि पार्ट टू है। यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे डेट लिख देना है। डेट लिखने के बाद आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आपको टिक लगा देना आपका अकाउंट किस प्रकार का होगा, यानी कि बीएसबीटी, जनधन अकाउंट, असमॉल अकाउंट या करंट अकाउंट या फिर कैप्सा, जो भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आप चाहे से तो आप बैंक से पूछ करके यहाँ पे अपना अकाउंट का टिक लगा सकते हैं। उसके बाद आपको आप जो अकाउंट होगा किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे, अगर आप अकेले अकाउंट ओपन करना चाहते हैं इंडिविजुअल तो आपको यहाँ पे सेल्फ पे टिक लगा देना है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे ज्वाइंट वाले पे टिक लगाना होगा। उस प्रकार से डिटेल जो भी अप्रोप्रिएट होगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो एटीएम कार्ड होगा उस एटीएम कार्ड पे आपका नाम अगर मेंशन चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हाँ कर लगाने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, जो कि आपको पर्सनल एटीएम कार्ड आपको बैंक द्वारा मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कुछ आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ मांगा जा रहा है, जैसे कि अगर आप चेकबुक फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हाँ पे टिक करना होगा। ठीक उसी प्रकार से आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको एसएमएस अलर्ट्स भी चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा दें, अदरवाइज यहाँ पे ना भी छोड़ सकते हैं। उस वजह से मोबाइल बैंकिंग, अगर पासबुक आप चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे यानी कि यहाँ पे टिक लगाना होगा। अब बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो अगले कॉलम में आप देखेंगे तो अगले कॉलम में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप एफडी करना चाहते हैं, फिक्स डिपोजिट करना चाहते हैं, तभी डिटेल आपको यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे छोड़ देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है नॉमिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि हम तो कहेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का अकाउंट ओपन कराना, तो सबसे पहले तो आपको नॉमिनी आप हमेशा देते रहें। तो नॉमिनी में आपको करना क्या है कि एक पर्सन का देना है, नॉमिनी का नाम आपको इस वाले कॉलम में लिख देना है। नॉमिनी का नाम लिखने के बाद आपका जो भी एड्रेस है, जो भी ब्रांच का एड्रेस है, ब्रांच का एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। और अगर आप चाहते हैं कोई पासबुक पर छपा हो उसका नाम तो आपको यहाँ पे हाँ पे टिक लगाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ सबसे नीचे क्या करना है, उसका नाम फिर से लिखना है। नाम लिखने के बाद आप क्या रिलेशन है उस रिलेशन का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद अगर एज है तो एज आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर किसी माइनर को आप नॉमिनेशन बनाना चाहते हैं तो उसको भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक गार्जियन का डिटेल देना होगा। इसका डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप फिर भी अपने अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे टिक लगाना होगा, अगर आप नॉमिनेशन अपने अकाउंट में नहीं करना चाहते हैं। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज आपको सिंपली करना क्या है कि आपको डिक्लेरेशन देना, आप यहाँ पे चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको इस पेज पे सिंपली दो यहाँ पे साइन करना है, तो आप इस वाले जगह पे दो साइन करते हैं। साइन करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे ये आपका सिर्फ ऑफिस यूज
उसके लिए, तो ऑफिस से उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी यहाँ पर टिक नहीं लगाना है। जैसा आपका बैंक वाला डिटेल दिखेंगे वो फिलफिल आप यहाँ पे खुद ही कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पेज जो दो ब्लैंक पेज आपको दिया जाता है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश में, आपको यहाँ कुछ फिलफिल नहीं करना। आपको आप चाहते तो पढ़ लें, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे डेट के साथ आपको यहाँ पे जो भी साइन है उस साइन को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे भी आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको कोई भी फील्ड भरना नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे एक किस कॉलम में आपको साइन कर देना है। साइन करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, जो कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताया है कि जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उस टर्म्स एंड कंडीशन आप चाहें तो टाइम है अगर पास हो तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको दो पेज का मिल जाएगा। लास्ट वाले पेज पे आपको जो कि पेज नंबर 15 है, यहाँ पे आपको फिर से एक साइन करना होगा। इस वाले कॉलम पे साइन कर दें। साइन करने के बाद फिर से हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे, अगर मैंने इससे पहले ही कहा था आपको कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 भरा जाता है। फॉर्म 60 आपको भरना होगा अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इस फॉर्म को भरने की जरूरत आपको नहीं है। इस फॉर्म 60 में आपको नाम लिखना है और आपका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे साइन कर देना है और डेट और जो भी स्थान है उस स्थान को मेंशन करते हुए आपको यहाँ पे सिंपल एक साइन कर देना है। सिंपल साइन करने के बाद आपको इस पेज पे जो भी पेज नंबर 17 है, यहाँ पे आपको कुछ भी टिक नहीं लगाना, ना ही क्या आपको ऑप्शन दिया हुआ। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज जैसे ही आपको बता दें, इस पेज को तभी आप भरें अगर आप माइनर है। माइनर है अगर आप हैं तो आपके जो गार्जियन का डिटेल है, उस गार्जियन का डिटेल आपको यहाँ पे भरना होगा। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अगर बच्चे को अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो उस अकाउंट को कैसे के लिए अकाउंट ओपन करने के लिए कैसे इस फॉर्म को फिलफिल करना होगा। तो फिलहाल इस आप हम माइनर नहीं है तो इस वाले फील्ड को छोड़ देंगे। उसके बाद आपसे जा रहा है इसी पेज पे आपको एक फटका का सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे टिक लगा देना नो। इसका मतलब होता है कि इस देश के अलावा यानी कि इंडिया के अलावा आप कहीं भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं पे करते। यहाँ पे टिक लगाने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पेज पे आ जाना। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे जो भी डेट है उस डेट को आप मेंशन करना है और स्थान को मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपका जो साइन है वहाँ पे साइन करना है। हम चले आते हैं पेज नंबर 20 पे, जो कि सबसे पेज का लास्ट है। इस पेज पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको अपना शाखा का नाम लिखना है, ब्रांच का कोड आपको पता है जैसे मैंने कि पहले कहा था। अगर याद है पता है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मोड ऑफ ऑपरेशन है आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको इस वाले कॉलम में एक फोटो लगाना है। फोटो लगाने के बाद आपको इस दोनों बॉक्स में आपको टिक लगा देना है, साइन कर देना है। साइन करने के बाद आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। साथ में आपका जो भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और जो भी इनकम का सर्टिफिकेट है या फिर इनकम का जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं उस पर साइन कर दें। साइन करने के बाद आप जो भी बैंक अधिकारी हैं उनके पास जाएं और अपने फॉर्म को फुलफिल जो भी किया है उसे आप चेक करवा लें। चेक करने के बाद आपका जो भी पैसे आप जमा करने चाह रहे हैं उसे अपने एक डिपॉजिट स्लिप भर दें। डिपॉजिट स्लिप भरने का कैश काउंटर पर जो भी काउंटर है जहाँ बैंक अधिकारी बोल रहे हैं वहाँ जाकर के अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर फिर इसके अलावा कभी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इस तरह की नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।